ऑप्शन एक सिद्ध कीजिए कि 22 स्क्वायर बराबर है 4a, ब्रैकेट में x प्लस a अवकल समीकरण y, ब्रैकेट में है 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 2x इंटू dy का हल है। तो हमें यहां क्या मिला है, y स्क्वायर बराबर 4a इंटू x प्लस a दिया है, y स्क्वायर बराबर 4a इंटू x प्लस a, यह हमें यहां प्राप्त है। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 2y का अवकलन किया dy by dx बराबर 4a इंटू x का अवकलन हो गया 1, और a का अवकलन होता है 0। दो से कैंसिल हो रहा है ये दो बार, अर्थात दिस इंप्लाइज dy by dx बराबर हो गया 2a अपॉन y। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है अवकल समीकरण का यह हल है। तो यहां हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर y इंटू 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर कर दूं समीकरण एक से, तो यहां क्या कर दूंगा मैं 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर ऐसा कर दूंगा, बराबर क्या हो गया y स्क्वायर हमारा लघुत्तम हो गया y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये हमें ब्रैकेट में मिलता है। y स्क्वायर का मान क्या लिख दूं मैं, y स्क्वायर बराबर है 4a ब्रैकेट में x प्लस a, y स्क्वायर का मान लिख दिया और y से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां तो आ गया y स्क्वायर का मान लिख दिया 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये एज इट इज 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया 4ax अपॉन y। अब देखो यहां हम पाते हैं कि इसको यदि मैं 2ax अपॉन y इस रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2ax अपॉन y ऐसा लिख सकता हूं, और 2ax अपॉन y किसके बराबर है, यहां x भी बाहर ले लें तो 2a अपॉन y किसके बराबर है, dy by dx के बराबर है, तो ये मान कितना हो गया 2x इंटू dy by dx जो कि हमारा राइट हैंड साइड है 2x इंटू dy by dx। तो अतः सिद्ध हुआ कि जो समीकरण हमें दिया है y स्क्वायर बराबर 4a इंटू x प्लस a ये दी गई अवकल समीकरण का हल है। प्रश्न दो, सिद्ध कीजिए कि y बराबर है a इंटू e की पावर माइनस 2x प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, अवकल समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर 0 का हल है। हमें क्या दिया है, y बराबर a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, इसको हम समीकरण एक ले लेते हैं। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx बराबर हो जाएगा a e की पावर माइनस 2x का हो गया e की पावर माइनस 2x, माइनस 2x का पुनः किया तो माइनस का 2, प्लस b e की पावर x का हो गया e की पावर x, अर्थात हमें क्या मान मिला, माइनस 2a इंटू e की पावर माइनस 2x प्लस b इंटू e की पावर x, इसको हम समीकरण दो ले लेते हैं, यह हमारा समीकरण दो हो गया। अब हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर
माइनस दो ए ये ऐसा कैसे ही रहेगा, e की पावर माइनस दो एक्स का हो गया e की पावर माइनस दो एक्स, और माइनस दो एक्स का पुनः किया तो माइनस का दो प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, इसको भी सरल कर लिया तो मान आ गया चार ए इंटू ई की पावर माइनस दो एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, ये हमने समीकरण तीन ले लिया। अब हम अवकल समीकरण को देखते हैं, तो हमारा अवकल समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस दो वाई। तो अवकल समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, समीकरण तीन से हम इसका मान लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली मान लिख दिया चार ए इंटू ई की पावर माइनस दो एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान हम समीकरण दो से लिख सकते हैं, तो माइनस का दो ए इंटू ई की पावर माइनस दो एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, ये हमने समीकरण दो से डी वाई बाई डी एक्स का मान लिख दिया। माइनस दो इंटू वाई, वाई हमारा समीकरण एक से ये है, ए इंटू ई की पावर माइनस दो एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स, ये हमने समीकरण एक से वाई का मान लिख दिया। सरल करते हैं इसको, तो ए ई की पावर माइनस दो एक्स, ये चार ए यहां पर है, माइनस दो ए यहां पर है और माइनस दो ए यहां पर है, दो से ये गुणा हो रहा है, तो e की पावर माइनस दो एक्स वाले जो पद है वो तो हो गए कैंसिल, चार ए यहां माइनस दो ए है और यहां भी माइनस का दो है तो कैंसिल हो गए। अब b e की पावर x देखें तो प्लस का एक यहां है, b e की पावर x, b e की पावर x प्लस का यहां पर है और यहां माइनस का दो बी है तो ये भी कैंसिल हो गए, इनको भी मैं काट देता हूं, मान कितना आ गया जीरो, जो कि हमारा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो अतः सिद्ध हुआ कि जो हमें मिला है y बराबर a इंटू e की पावर माइनस दो एक्स प्लस बी इंटू e की पावर x, ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है।